हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ नाहन में। अभी चलते हैं नीचे, हम जा रहे हैं बाग में जहाँ पे आम वगैरह के पेड़ लग रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं चल रहा हूँ जंगल के बीच में, मतलब कि इधर उधर कोई नहीं है, बिल्कुल जंगल है। और इधर भी पेड़ है। एक आदमी मोटरसाइकिल वाला आता जाता है, वैसे कोई नहीं आता। और रात यहाँ बारिश हुई थी जिसकी वजह से यहाँ का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। आपको एक मोड़ आ रहा है, यहाँ से दिखाता हूँ आगे का मौसम। और भाई पहाड़ों में इतने ज़्यादा दूर दूर घर होते हैं, मतलब कि वहाँ तो थोड़ा फ्लैट एरिया है, बाकी इधर थोड़े पहाड़ हैं और इधर भी थोड़े पहाड़ हैं। आपको दिखाता हूँ। और एक ये किसी का पुराना सा घर होगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पुराना घर है ये। और ये हमारे साथ सिद्धू जा रहा है। सिद्धू, बेसिकली मैं यहाँ पे आया था इसलिए क्योंकि यहाँ कल जगन्नाथ यात्रा है, और एक जगन्नाथ यात्रा निकलते हैं जगन्नाथ धाम में, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैं यहीं पे आया सिद्धू था। अगर तू रात को आ जाए यहाँ पे तेरा क्या हाल होगा? सिद्धू शर्मा रहा है। तो यहाँ से अभी थोड़ी कॉलोनी शुरू हुई है, मतलब कि यहाँ पे एक अड्डा है और इधर तो बिल्कुल खाली है। यहाँ पे एक दुकान है और यहाँ बोजी के बाग, मतलब यहाँ पेड़ लग रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं कौन से पेड़ हैं, पर यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग पेड़ लग रहे हैं। अभी इस पर एक छोटा सा फल लग रहा है। बुआ जी का पुराना घर है जहाँ पे बुआ जी शादी करके आए थे, और ये इनका मंदिर है, मतलब कि जो इनके पूर्वज थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और भाई यहाँ से कितनी ज़्यादा मस्त वाइब आ रही है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पे छोटे से महादेव की लगाई हुई है प्रतिमा, और आसपास मतलब कि जितने भी कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट हैं वो सभी अपना लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने गाय रखी हुई है, और ये गाय का छोटा सा बच्चा जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है देखने में। अभी तो ये डर रहा है। तो अभी एक रास्ता ये जा रहा था यहाँ से जंगल के बीच में से, अभी चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि सड़कों का थोड़ा रहती है दिक्कत, कच्चा सा रहता है, बाकी ठीक है। और ये मंदिर बनाया हुआ है एक। और भाई ये आम के पेड़ यहाँ पे लग रहे हैं काफ़ी सारे आम, अभी हम इन्हें तोड़ेंगे, आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और बुआ जी के बाग से हमने कुछ इतने आम तोड़ लिए, अभी चलते हैं। पहाड़ों का असली मजा है यहाँ से, मतलब कि कितना अच्छा व्यू है, और जो लोग यहाँ रहते होंगे तो उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव लगता होगा। और वैसे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पर चल चल के काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अभी मैंने आम का जो हमारा थैला था इसको पकड़ा दिया, अभी चलते हैं घर की तरफ। और अभी हम मैं जिस जंगल में जा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे बघीरे घूमते हैं। बघीरे मतलब कि कुछ शेर टाइप होता है, और ये बता रहे हैं मतलब कि जिन के अभी अभी हम रिश्तेदारी में गए थे वो बता रहे हैं कि उनके जो पहले डॉग्स पाले हुए थे उनको उठा के ले गया। तो मतलब कि सुन के काफ़ी दुख तो हुआ, मतलब कि कोई भी जानवर यार ऐसे किसी के डॉग को उठा के ले जाता है। इतनी मेहनत से डॉग पालते हैं हम, एक बड़ा होता है और कोई भी जानवर आता है उसे उठा के ले जाता है। तो अभी तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है। और अभी रात हो गई है, यहाँ से कालाम दिख रहा है, जिनको पता होगा कालाम तो वहाँ सामने सिटी है कालाम की। और अभी फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, काफ़ी चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया, अभी चलते हैं अंदर। और भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर इस घर में कोई मुझसे डरता तो सबसे ज़्यादा सानवी। सानवी मैं आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये हमारे अभी हैं, और ये हमारी सानवी है। सानवी तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरती है इसलिए चुप है अभी। अभी आपका नाम क्या है? अभिनव। अच्छा अभिनव, आप कौन से स्कूल में जाते हो? SVN। वो कहाँ पे? वहाँ पे कहाँ पे? एक रास्ता है। अभी आप इतने छोटे क्यों हो? ये देखो बड़ा। अभी देख कितना छोटा, मुझसे तो कितना छोटा, ये देख। ओए ये देखो शूज उतार रहा है मेरा, शूज अभी क्यों उतार रहा है शूज मेरा, रहने दे। और अभी मुझे अभी बता रहा है कि मंजे पे शूज लेके नहीं बैठे करते। नहीं 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 लेके बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि बैठ कर ना हो सकता है, ये सारे दिन लेके सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं भैया की शादी की एल्बम, तो देखते हैं करते हैं शुरू। तो फाइनली अभी मेरी एक फ़ोटो आ चुकी है जो कि ये वाली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ मैं। कैसा लग रहा हूँ सिद्धू?
अब पता नहीं भाई ये क्यों शर्माता है लोग में आने से। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी फिलहाल सुबह का बज रहे हैं 6:30 और रात भर सारी रात बारिश होती रही, आपको दिखाता हूँ। और रात को तो मैं खाना वगैरह खा के शादी का एल्बम देख के सो गया था। और भाई सारी रात ऐसे धीरे धीरे बारिश पड़ती रही, बीच में तेज हो जाती है, कभी होली हो जाती है। और भाई सबसे मज़ा आता है ऐसे ऐसी बारिश में चाय पीने का, गर्मा गर्म सबसे मज़ा आता है। अभी तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ सारे घर में, अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। और अभी फिलहाल मैं रात हो गया, हो चुका हूँ रेडी, अभी खाना आ चुका है तो खाना करते हैं शुरू। नाश्ते में बनाया करेला रोटी और चाय। और भाई सुबह सुबह का मौसम बारिश के बाद कुछ ऐसा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जिसको पता है ये क्या चीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं आ चुका हूँ नान के मेन बाज़ार में, जहाँ पे से यात्रा निकलेगी। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो तैयारियाँ हैं वो हो रखी हैं, जैसे ऊपर बैनर वगैरह लग रखे हैं, लड़ियाँ वगैरह लग रखी हैं यहाँ पे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, हो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।